हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उपमा की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियों का भी यूज़ किया है, तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है और एक पैन रख दिया है। पैन गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर 1 कटोरी रवा ऐड कर दूँगी, यानी सूजी। उसको मैं अच्छे से चलाती रहूँगी, अच्छे से इसको चलाते रहिए और फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसको आप लगातार चलाकर भून लीजिए, आपको एक अच्छी सी महक आने लगेगी। इसको हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूनना है इसको। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब हम एक प्लेट में इसको अलग से निकाल लेंगे। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको अलग साइड में रख दूँगी। इसका कलर चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इस पैन को अच्छे से पोंछ लूँगी। फिर से मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है घी ऐड कर दी हूँ। घी मेल्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ मूंगफली के दाने लिए हैं, उसको मैं भून लूँगी। आप इसको लगभग 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसको भून लीजिए और फिर इसको एक कटोरी में निकाल लीजिए। ये क्या है, आप ज़्यादा तेज़ आँच पर ना भूनें क्योंकि ये अंदर से नहीं पकेंगे। तो इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिए, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब मैं इस पैन में जो है 1 टेबलस्पून सरसों के दाने ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दूँगी। दोनों को अच्छे से हम स्प्लटर हो जाने देंगे। राई को भी बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से चटक जाना। अब मैं यहाँ पर थोड़ी से हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च काट के ऐड कर दी हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लिया है, वो काट करके ऐड कर दें इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चना और उड़द की दाल ले ली है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इससे अच्छा स्वाद आता है। इसको हम पहले अच्छे से भून लेंगे। आप इसको 1 मिनट तक भून लीजिए, इससे ये दाल जो है अच्छे से पक जाए, जब दांत के नीचे आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पर करी पत्ता ऐड कर दी हूँ। तो आप ध्यान से करी पत्ता ऐड करें क्योंकि यहाँ पे बहुत छींटे आ जाती हैं। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्याज कट किया था, वो भी ऐड कर देंगे और ट्रांसलूसेंट होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और एक टमाटर कट कर लिया है बारीक, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कुछ अन्य सब्जियाँ भी मैंने ऐड की हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, गाजर को छोटा छोटा कट कर लीजिए, वो ऐड कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर ली है, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप और भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, ये इनफ होगा। और आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी, तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। उसके बाद मैं इसको खोल के देखूंगी तो सब्जियां थोड़ा लगभग मुलायम हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें पानी मेज़र करके ऐड करेंगे। तो आपने 1 कटोरी अगर रवा ऐड किया है तो उसका 3 गुना पानी आपको ऐड करना है, यानी 3 कटोरी पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी पानी डाल दिया है और अब हम एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। तो देखिए, पानी में तो उबाल आ गया है। अब जो हमने रवा फ्राई किया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको जो है रवा थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ नहीं डालना है। आपको ऐसे चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा रवा ऐड करिए और चलाते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है और बाइंड होने लगता है। तो देखिए, ये बाइंड होने लगा है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारी चीज़ों को। अब हमें इसको 1 से 2 से 3 मिनट तक आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे ढक के रख दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। तो देखिए, उपमा बिल्कुल सेट हो गया है, बहुत ही अच्छा पका हुआ है। और यहाँ पे जो मूंगफली के दाने थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स दे देंगे इसको। दिया है, अच्छे से मिक्स दे दिया है हमने। अब मैं यहाँ पर हरी धनिया जो है छोटी छोटी चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही अच्छा लगेगा ये उपमा, आप इसको ज़रूर से बनाएं। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे गैस जो है ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही ढक के रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको ढक के रख दीजिए। आप इसको जब आप दोबारा खोल के देखिए, आप इसको सर्व कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू ऐड किया, आधा नींबू का रस ऐड कर दीजिए, फिर एक मिक्स दे दीजिए। अब आप ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इसको। तो देखिए बहुत ही टेस्टी बना है ये, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अगर किसी मेहमान के सामने इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको एक कटोरी में भर लीजिए और आप ऐसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, तो आप ऐसे उनको सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।